शाम का मैच है, शारजा में खेला जाएगा और भारतीय नजरिए से बहुत जरूरी क्योंकि ये उसी ग्रुप का मैच है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का पहला मैच है, पाकिस्तान ऑब्वियसली पहला मैच भारत के साथ जीत चुकी है। भारत के नजरिए से ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस मैच में अगर पाकिस्तान जीते इट बी इजियर, अगर उधर न्यूजीलैंड जीत जाता है देन थिंग्स गेट अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। चलिए शारजा में मैच है, अमूमन हमने देखा अगर पिछले 5 मैचेस की तरफ रुक करें तो एवरेज स्कोर 123 का रहा है, लेकिन जो पिछला मैच खेला गया शारजा में शाम के वक्त 190 रन बनाए थे अफगानिस्तान ने, जो पिच अच्छा दिखा था और शायद उसी पिच के ऊपर, क्योंकि लगातार 2 दिन जब मैचेस होते हैं तो अमूमन उसी पिच के ऊपर ही खेला जाता है, तो उम्मीद यह है कि उसी पिच के ऊपर खेला जाएगा जहां पे पिच अच्छा है लेकिन स्पिनर्स के लिए मदद है, लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर है बैट्समैन के लिए जो पिच देखा गया है। तो चलें अब टीम की तरफ रुख करते हैं। फिर जो टीम है मेरा वो डेवन कॉनवॉय बहुत अच्छे लय में, मिडिल ऑर्डर्स क्योंकि स्पिन अच्छा खेलते हैं तो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, शायद टॉप ऑर्डर में ना खेलें हालांकि ओपन करते हैं। मोहम्मद रिजवान वाइस कप्तान, केन विलियमसन एक ऐसे दोबारा ऐसे बल्लेबाज हैं जो स्पिन और पेस दोनों को बहुत अच्छा खेलते हैं। 50 ओवर एवरेज उनका T20 में, केन का पेस के खिलाफ 34 है 34 और स्पिन के खिलाफ 41, तो ऐसे बहुत कम होते हैं जो सब कॉन्टिनेंट के बाहर के बल्लेबाज जिनके स्पिन के विरुद्ध एवरेज अच्छा हो पेस के मुताबिक। बट एनीवेज केन विलियमसन, बाबर आजम कप्तान ग्रेट फॉर्म इस वक्त उनके साथ है, फखर जमान, मिचेल सैंटना, मार्क चैपमन, शदाब खान, लॉकी फर्ग्यूसन, इश सोदी और शाहीन अफरीदी। क्विकली रिपीटिंग माई सेल्फ, डेवन कॉनवॉय, मोहम्मद रिजवान, केन विलियमसन, बाबर आजम, फखर जमान, सैंटना, मार्क चैपमन जो कि ऑलराउंडर है वॉश आउट फॉर हिम, शादाब खान, लॉकी फर्ग्यूसन, इश सोदी और शाहीन अफरीदी। राइट, अब रुख करते हैं ऑल्टरनेट टीम 11 की तरफ। वो होगा डेवन कॉनवॉय, मोहम्मद रिजवान, केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, बाबर आजम, मिचेल सैंटनर, शदाब खान, लॉकी फर्ग्यूसन वाइस कप्तान, टिम साउदी, शाहीन अफरीदी कप्तान और हसन अली। खैर, ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल। डाउनलोड करो MPL.live से। MPL. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk.